नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर जो एक छोटा सा टुकड़ा एक्स ग्रेसिया के नाम से पेंशनर्स के लिए डाला गया था, वो लगभग सभी पीएसयू बैंक ने पे कर दिया अपने पेंशनर्स को, लेकिन एसबीआई द्वारा अभी तक अपने पेंशनर्स को पे नहीं किया गया। अभी तक जो हमारी जानकारी थी उसके हिसाब से ये लग रहा था कि अप्रैल 2024 की पेंशन में एक्स ग्रेसिया दे दिया जाएगा, और मेरा भी यही मानना था कि एसबीआई को एक्स ग्रेसिया इस पेंशन में दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक जो अप्रैल की पेंशन स्लिप है उसमें एक्स ग्रेसिया नहीं दिखाया जा रहा, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं इनको की बेचैनी और एंग्जाइटी उनकी बढ़ती जा रही है, और बार बार कमेंट करते हैं कि एक्स ग्रेसिया कब मिलेगा, क्या अप्रैल के पेंशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या हमारे इस जीवन काल में मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई ऐसे कमेंट करते हैं कि एसबीआई एक्स ग्रेसिया का अमाउंट खा गया। कई मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ये सारे कमेंट आते हैं, मैं इनके इंडिविजुअल जवाब भी देता हूँ, लेकिन पिछले दो दिनों से सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं जिनमें मैंने इंडिविजुअली जवाब अभी देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यदि एक कमेंट का जवाब देने के लिए एक मिनट भी लगाएं तो 100-150 कमेंट का जवाब देने के लिए 100-150 मिनट चाहिए, और जब कभी भी कोई यूट्यूबर या क्रिएटर कुछ और काम कर रहा हो तो कमेंट कई बार बैक साइड पे चले जाते हैं और उसकी प्रायोरिटी और होती हैं, कभी कभी लाइफ की पर्सनल प्रायोरिटीज भी होती हैं, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं या जो व्यूअर्स होते हैं उनका केवल अपना एक घोषणा होता है और जो उनका अपना व्यक्तित्व होता है उसी हिसाब से वो कमेंट भी करते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि लगातार मेरे वीडियो देखते भी हैं और लगातार उसमें नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जिसमें कि कई बार जुमलेबाज या झूठी खबर फैलाने वाले या इस टाइप की बातें करती हैं। उन महिला का मैं नाम इस चैनल के माध्यम से नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो उनके कमेंट देखते होंगे और कई लोगों ने अपने कमेंट भी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं वो उसके संस्कार पर निर्भर करते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग पर निर्भर करते हैं, उसके किस माहौल में वो रह रहे हैं उस पर निर्भर करते हैं, और उसका मानसिक संतुलन कैसा है उसको भी उजागर करता है। तो हम एक क्रिएटर होने के नाते हमारे पास हर किस्म के कमेंट आएंगे, उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे क्रिटिकल कमेंट्स भी होते हैं जिनको कि हमारे चैनल के सुधार के लिए कहा जाता है और हम उनको अप्लाई भी करते हैं, और कई बार लोग अपनी तरफ से डिमांड करते हैं कि आप इस प्रकार की के वीडियो दीजिए, हम उनकी डिमांड पर भी वीडियो बनाते हैं। अगर कोई दूसरा वीडियो भी चल रहा है और कोई अर्जेंट डिमांड है तो हम उसी वीडियो पर पहले काम करते हैं ताकि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। पिछले दो दिनों से मैं HRMS को भी चेक कर रहा था और साथ में अपने जहां भी सोर्सेस हैं वहां से पता कर रहा था, साथ में सोशल मीडिया में भी देख रहा था। सोशल मीडिया में मैं देखता हूं कि एक मैसेज घूम रहा है कि SBI इस महीने की पेंशन में नहीं देगा, क्योंकि मैटर रेफर कर रखा है IBA को और वो अगले महीने की पेंशन में ही दे पाएगा। मेरा ये मानना है कि SBI ने यदि IBA को रेफर भी किया है तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के पेंशन के चेंजेस के लिए रेफर किया हुआ था। पर्टिकुलर सेक्शन ये है कि जिसमें कि 40-50% यूनिफॉर्म पेंशन वाला है मामला, और दूसरा स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का है, तीसरा मामला प्री 2002 पेंशनर्स का है जिनका 100% DA न्यूट्रलाइजेशन का है, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री लेवल का है। जो 40-50% वाला मामला है वो स्टेट बैंक का ही है। तो इन मामलों के लिए जो IBA को रेफर किया हुआ है तो स्टेट बैंक को इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्स ग्रेसिया का पेमेंट नहीं रोकना चाहिए और अप्रैल की पेंशन में ही पे कर देना चाहिए।
ये मेरा बार बार अनुरोध भी था अपने वीडियो के माध्यम से SBI के मैनेजमेंट से या SBI के जो पेंशनर्स फेडरेशन है जिसने कि एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 40-50% यूनिफॉर्म पेंशन के मामले में उनको नोशनल बेसिस पे एक्सग्रेसिया दिया जाए, उसी को देखते हुए ABA को रेफर किया गया है। और इस बारे में जो FSBI पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा अपना लेटर दिया गया था उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उससे भी काफ़ी लोगों को पता लग जाना चाहिए कि रीज़न क्या है SBI की तरफ से एक्सग्रेसिया के पेमेंट में डिले का। इसके बावजूद भी मैं एक आशावादी होने के कारण हमेशा अपने पेंशनर्स को एक सकारात्मक संदेश देना चाहता हूँ, ना कि नकारात्मक संदेश। सकारात्मक संदेश यदि मार्च के महीने में हम उम्मीद लगा रहे थे नहीं मिला, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अप्रैल के महीने में मिल जाना चाहिए। अगर SBI की मैनेजमेंट को अभी भी इंतजार करना है IBA के क्लियरेंस का, तो वो तो उनकी अपने स्वीट विल है, लेकिन IBA की अप्रूवल यदि इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं मिलती तो स्टेट बैंक एक्सग्रेसिया का पेमेंट अब ज़्यादा रोक नहीं सकता और वो पेमेंट इतनी जल्दी होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, क्योंकि ये 12th बाइपर्ट एक्ट का एक क्लॉज है जिसके आधार पर ये एक्सग्रेसिया पे होना है। तो सभी बैंकों ने पे कर दिया और SBI के लिए भी मैंडेटरी है कि वो पे करेगा। अगर इस महीने नहीं पे होता तो अगले महीने पे होगा। पे तो 1 नवंबर 2022 से ही होना है, इसका एरियर भी पे किया जाएगा। तो इसमें मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अपने मन में लाने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस महीने नहीं पे हुआ तो अगले महीने हो जाएगा। और इस तरह के कमेंट करना कि क्या हमारे जीते जी ये मिल जाएगा या नहीं, तो मैं इस बारे में भी ये कहना चाहता हूँ कि एक महीने के अंतराल में या इसमें ठीक है 2 लाख पेंशनर्स हैं, हो सकता है कि किसी के जीवन का अंत अगले 1-2 महीने में होता भी है, तो क्या वो पेंशन या एक्सग्रेसिया ड्यू है उसके फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिलेगा या उसके लीगल हेयर को नहीं मिलेगा? जो ड्यू हो चुका है, जो एग्रीमेंट हो चुका है, वो तो मिलना ही है, उसके लिए मेरे हिसाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ तक बात आती है कि मैं झूठी खबर देता हूँ या जो स्टेट बैंक के ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिली है खबर उसको देता हूँ, कई बार क्या होता है कि स्टेट बैंक के जो AGM PPG हैं या जो स्टेट बैंक के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी ये खबर नहीं होती कि क्या कॉरपोरेट सेंटर क्या डिसीजन लेगा। और मेरा अभी भी मानना है कि 27 तारीख की पेंशन तक कॉरपोरेट सेंटर एक्सग्रेसिया पे कर सकता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसके पेंशन स्लिप में एक्सग्रेसिया नहीं दिखाया गया है तो वो पे नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई खबर आपको झूठी भी लगती है और उससे आपको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या आपकी एंग्जाइटी कम होती है या आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वो कम होते हैं, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ समझिए और उसको भी सकारात्मक खबर समझ करके। दोस्तों, इस संबंध में मैं महाभारत के एक प्रसंग का उदाहरण देना चाहूँगा कि जब महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध चल रहा था तो अर्जुन उनको परास्त करने में असमर्थ थे और गुरु द्रोणाचार्य के बाणों का सामना करना पांडवों के लिए मुश्किल था, तो उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप यदि युद्ध क्षेत्र में ये घोषणा करें कि अश्वत्थामा का वध हो गया तो गुरु द्रोणाचार्य उसी समय अपने हथियार छोड़ देंगे और वो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग सकते हैं। उस बात को कहने के लिए युधिष्ठिर को कहा गया, आप इस स्टेटमेंट को दीजिए कि नरमरे न कुंजरा अश्वत्थामा हताहति। जो पहले शब्द 3 शब्द थे, नर मरे न कुंजरा अश्वत्थामा हताहति,
जो अश्वत्थामा हताहती वाला पोर्शन था उसको उन्होंने लाउडली कहा, और जो पहला वाला पोर्शन था उसको केवल मुंह में ही कहा। युधिष्ठिर जो सत्यवादी थे वो सच तो बोलना ही चाहते थे, लेकिन उस सच को थोड़ा सा वेरिएशन करके कहा गया, और उसका तुरंत असर ये हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा महाभारत के युद्ध में हथियार छोड़ दिए गए या उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो एक असत्य के प्रभाव से महाभारत के युद्ध का पलड़ा पलट गया, और असत्य के ऊपर सत्य की विजय के लिए, जो कि पांडवों की तरफ धर्म की विजय के लिए, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के लिए जो असत्य कहा गया था वो भी किसी बड़े सत्य से कम नहीं था। यही मेरा मानना है कि कई बार यदि कोई स्टेटमेंट हम अपने लाखों पेंशनर साथियों के सुख समृद्धि और शांति के लिए उनको आश्वासन देते हैं तो वो असत्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम एक क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के कुछ बेसिस होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हम उस काम को एग्जीक्यूट करने वाले नहीं हैं, हम केवल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। यदि एक्स ग्रेसिया पे करना है तो SBI की मैनेजमेंट ने करना है, SBI द्वारा करना है, वो किसी क्रिएटर या यूट्यूबर द्वारा नहीं पे करना है। हमारे पास जो भी खबर उपलब्ध होती है हम उसको आपके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें सकारात्मक संदेश हो न कि नकारात्मक। हमारे कई साथी यूट्यूबर ऐसे भी हैं कि जो कि किसी भी प्रकार के खबर को अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें कि कई बार कई नकारात्मक संदेश होते हैं जो कि आप लोगों को एंग्जाइटी उत्पन्न करेंगे, आपके मन में अशांति करेंगे। खास तौर पे जब कोर्ट केसेस चल रहे हैं उन कोर्ट केसेस के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करेंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलता जब तक कि कोर्ट केसेस की कोई डेफिनेट तारीख या उसके कोई डिसीजन ना हो। तो बार बार यदि नेगेटिव न्यूज़ की चर्चा करेंगे तो आपके मन में नकारात्मक संदेश जाएंगे, यदि हम पॉजिटिव बातें करेंगे तो शायद सकारात्मक संदेश जाएंगे, जिससे कि आपके मन में शांति रहेगी, आपकी एंग्जाइटी कम होगी। और मैं इस चैनल को इसी उद्देश्य से चला रहा हूँ, मेरा कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, ना ही मैं किसी से ये क्लेम करता हूँ कि मैं किसी पेंशनर्स के लिए या किसी का एक्टिविस्ट हूँ। मैं एक क्रिएटर हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी मेरा चैनल है, जिसमें कि मैं केवल लोगों को एजुकेशनल संदेश देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों में सकारात्मक संदेश पहुँचता रहे। दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अभी भी ये मानना है कि SBI की मैनेजमेंट अप्रैल के महीने में आपको एक्स ग्रेसिया दे सकता है। और अंत में मैं अपने सभी दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि आप अपना धैर्य बनाकर रखें, अपने को सकारात्मक रखें, उससे आपके तन मन और सुख में वृद्धि होगी, बजाय कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक खबरों के बारे में सोचने से। साथ ही मैं उन दर्शकों से भी, उन व्यूअर्स से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो नकारात्मक और असंवैधानिक अव्यवहारिक कमेंट करते हैं वो उसको अवॉइड करें। अगर आपको मेरा चैनल ठीक नहीं लगता तो उसको देखना बंद कर दीजिए। मुझे खुशी होगी कि यदि आप अपनी कोई पॉजिटिव कमेंट करके कोई डिमांड रखें कि इस प्रकार के वीडियो हमें चाहिए तो मैं उस प्रकार के वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन यदि कोई एज यूट्यूबर मुझे ये कहे कि आप वीडियो बनाना छोड़ दें तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो देखना बंद कर दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा, और साथ ही आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए कहीं ना कहीं समर्थ होंगे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी प्रकार के जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। यदि स्पेसिफिक वीडियो किसी भी विषय पर चाहिए तो उसके लिए भी हमें बताएं, ताकि हम उसी प्रकार का वीडियो आपके सामने रख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में जानने के लिए या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।